भारतीय रेलवे के इस कारनामे से हर कोई वाहवाही करेगा। जी हाँ, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि साल के आखिरी तक जम्मू से सीधे श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। रेल मंत्री ने एक वीडियो में ट्वीट करके बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनकर लगभग तैयार है। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, खराब मौसम की वजह से सड़क और हाईवे मार्ग बंद होने से कई बार देश के बाकी हिस्सों से कटा सा रह जाता है। भारतीय रेलवे ने इस चुनौती को अब पूरा कर लिया है और अब जल्द ही जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगी और महज कुछ घंटों में आप खूबसूरत वादियों में होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी जम्मू से श्रीनगर तक दौड़ाई जाएगी। इस ब्रिज की ऊंचाई करीब 359 मीटर की है, जबकि कुल लंबाई 1315 मीटर है। ये आर्क ब्रिज 17 स्पांस यानी खंभों पर खड़ा है, जिसमें मुख्य खंभा 460 मीटर ऊंचा है। ब्रिज की औसत आयु 120 साल की है और ये 266 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल सकता है। इस ब्रिज में 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन को गुजारा जा सकता है। रेल मंत्री ने दावा किया है कि एक बार कश्मीर घाटी रेल मार्ग से देश से जुड़ जाएगी तो जम्मू से यहां पहुंचना सबसे आसान और तेज हो जाएगा। इस रेलिंग के जरिए जम्मू से कश्मीर तक महज 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इतना ही नहीं, कश्मीर से सेब और अन्य एग्री प्रोडक्ट की ढुलाई भी काफी आसान हो जाएगी। चिनाब ब्रिज के पास टूरिज्म स्पॉट विकसित किए जाने पर भी काम चल रहा है।